युक्ति करे सती सने वृंदावने अति दक्ष दहे प्रियतमा गहने Thank you.
आधार नितय गौरना आनंदे रना जय जनना हिंगा नितय गौरना आनंदे रना जय जनना हिंगा तारे Amar Pashanta Mahara
उसको ऐसे ऐसे ए, 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 उसको ऐसे मरोगे तो उसको ऐसे नहीं कहते तभी तो टूट जाता है सब। नहीं उसको ऐसे नहीं घुमाना उसको टूट जाएगी। Yeah.
Yeah.
कर रात जैसे कर सब गाए कि नहीं डिसाइड करो तुम दोनों। हाँ ललित का हो गया ललित का पावर फास्ट का रात जय 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 Hare 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 Hare
हरे कृष्ण। तभी अच्छे मृदंग सीख सकते हो जब मृदंग बजाए ना श्रीधाम, उसको साथ साथ बजाना पड़ेगा तब तो अच्छे से। ललित महान मृदंग जब 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 बैठो, प्रैक्टिस तो बहुत किया लेकिन संगत नहीं करने से बजा नहीं सकते, इसलिए संगत करनी चाहिए। जब बजाए कोई उसके साथ में जो अच्छे बजाते उसके साथ हर समय मृदंग लेकर बैठना पड़ेगा, तब तो कुछ हो सकता है। अभी श्रद्धा में है, अभी थोड़ी बहुत तुम लोग दोनों सीख लो थोड़ी बहुत। ओम अज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः वदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पादोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पादोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजल प्रणाम करते हरे कृष्ण। हम हमारे पुजारी क्या सो रहे हैं? पुजारी हमारे कहाँ गए? तरुण महाराज उनका भाई दोनों कहाँ गए? सर हरे कृष्ण। चिराग प्रभु का दोस्त भी हो तो हरे कृष्ण। हाँ हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे, कहते श्री कर्दम ऋषि घर में भगवान रहते हुए भी इन्होंने कुछ ले गए, उनको छोड़ करके उन्होंने भजन करने के लिए चले गए। जब भजन के लिए चले गए घर में केवल घर में दो व्यक्ति रह गए। कौन कौन रह गए? देवहूति माता जी और कपिल देव भगवान। माँ और बेटा दोनों रह गए, लेकिन बेटा को पता है, माँ को पता मेरे जो बेटा है ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान है। एक दिन कहते कपिल देव के पास में आकर उन्होंने उनको प्रणिपात करते हुए उनको प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न? कहते बेटा हम तो स्त्री जाति है, हमारा मन बड़ा चंचल है, हमें कृपा करके हमें ये भगवत तत्व की संदेश दो और कैसे ये मन भगवान के भजन में लगे, और कृपा करके हमें इसका रहस्य बताओ। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, ये ज्ञान ऐसे की चीज है, हैं जैसे नियम किया है बेटा माँ को प्रणाम करे, उनके चरण छुए, उनसे पूछे, लेकिन यहाँ पर स्वयं माँ क्या कर रही है, जा करके अपना बेटे को पास में प्रणाम करते हुए उनको पास में प्रश्न कर रहे हैं, हमें भगवत तत्व की शिक्षा प्रदान करो। तो यहाँ पर आप लोग ये दो तीन श्लोक याद कर लेना। प्लचेत खलस्य बंधाय
मुक्तये चात्मनमतम गुणेशो सत्तम बंधाय बतम बापुसी मुक्तये। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मन है ना, यही मन सब कुछ है, हैं? कहते जो मन है ये जीवात्मा का बंधन का कारण, ये मन जीवात्मा का मुक्ति का कारण ये मन है। जब ये मन को चित्त को हम विषय में लगा देते हैं तब ये बंधन का कारण बनता है, और जब ये मन को भगवान में लगाए तब ये मन मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए सब कुछ ये मन है। जैसे हमारी 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हमारी हैं, इसका मूल कौन, राजा कौन, बोले मन। जैसे मन ने कहा चलो मंगलारती दर्शन करके आते हैं, मंगलारती दर्शन करने से मंगल होगा, लेकिन रजाई में ओढ़ करके सो कर सोते हुए भी हम क्या करते, रजाई को फेंक देते हैं, चलो समय हो गया हैं, नहाओ धो तिलक लगाओ चलो ठाकुर जी की मंगलारती दर्शन करने जाते हैं। अगर ये मन अगर बोले अरे क्या जरूरत है, इतना ठंडक पड़ रहा है और नींद आ रही है, इतना अच्छे तरह से सो जाओ हैं, अभी स्नान करो फिर हैं सारे कपड़ा शरीर हटाओ फिर पहनो और इतना दूर तक जाओ, चल चल करके जाओ, कौन जाता है, अरे अच्छे तरह से सो जाओ ओढ़ करके, फिर क्या होगा, हम सो जाएंगे। इसलिए ये जितना सब खेल है ना, ये मन का खेल है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो, जूती लेकर के मन को 100 बार पीटो, वो बोलते थे प्रभुपाद बोलते थे, मन ये मन को समझाओ आज सारा दिन क्या करना, भगवान की भजन करना, गंदी चीज में मन को नहीं लगाना, समय को भगवान की भक्ति में, भजन में, गुरु वैष्णव की सेवा में जूती मारना, मतलब क्या मन को समझाना चाहिए। इसलिए सारे खेल, इसलिए भगवान कहते बोले माँ ये मन ही सब कुछ का कारण, ये मन है। इसलिए मन एव मनुष्य नाम, इसको लिख लो, मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मुक्षैव, ये जो मन ही इंसान का मुक्ति का कारण और ये बंधन का कारण है। इसलिए ये मन को क्या करो, इसको मन को सही कर लो, मन को सही कर दो तो सब सही हो जाएगा है? अगर मन अगर एकदम लग जाए ना, डंट करके लग जाए, नहीं हम रोज 1,00,000 हरिनाम करेंगे, रोज हम इतने स्तुति करेंगे, रोज इतने स्तव करेंगे, ये मन को इधर उधर भटकने नहीं देंगे हैं, फिर क्या होगा, फिर ये भक्ति में ये सब लग जाएगा। सारे मन का खेल है। जब उन्होंने बताया ये मन ही सबका मूल कारण है, इसलिए पुरुष ये कहते जब पुरुष तो विषयणी रति कारण भक्ति है, या था कि कहते माँ हैं कहते जिन्हें निर्गुण ताहते रति युक्त मन मुक्ति कारण, कहते जो निर्गुण हैं उन्हीं में ही ये मन को निर्गुण में लगाया करो। कहते कहते जो पुरुष कहते से पुरुषोत्तम विषय निरति कारण भक्ति, कहते ये भक्ति किसमें करनी चाहिए, मन को लगानी कहाँ चाहिए, हाँ ये मन को अभी लगानी कहाँ चाहिए, बोले मन को जहाँ तहाँ मत लगाना चाहिए। कहते से पुरुषोत्तम जो तीन गुण से जो अतीत है उसी में ही ये मन को उसी में लगानी चाहिए, और कैसे लगानी चाहिए, पहले भक्ति को द्वारा, कहते ज्ञान कर्म और योग इसको द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं, भगवान चरण में भक्ति लगा, भक्ति कर, भगवान को भक्ति करो, केवला भक्ति को द्वारा ही भगवत प्राप्त हो सकते हैं। बोले प्रसंगम, देखो ये श्लोक भी याद करना, बोले प्रसंगम मजरम पासम आत्मनः कवयो विदो सैव साधु स्वीकृत मोक्षदारमपावृतम। पहले पहला श्लोक में बताया ये मन को भगवान में लगाओ, ठाकुर में लगाओ, पुरुषोत्तम में लगाओ, जो त्रिगुण अतिश। अब ये श्लोक में कहते हैं कहते कवयो विदुहु, जो पंडित लोग क्या कहते हैं, पंडित लोग बोले पंडित लोग ये कहते हैं कहते आसक्ति ही जीवात्मा का है, जो जो बंधन का कौन, ये आसक्ति, ये मेन चीज है आसक्ति है, आसक्ति। फिर आसक्ति को कहाँ लगानी चाहिए, बोले सैव साधु स्वीकृत, अगर आसक्ति करना है ना किसको प्रति करना, बोले साधु का प्रति आसक्ति करनी चाहिए। कहते वही कहते मोक्ष का
जो द्वार है साधु प्रति प्रति ही मोक्ष का प्रति द्वार है। और कहते आसक्ति मैन वस्तु है, जैसे श्री भरत महाराज आसक्ति कहाँ कर लिया, उन्हें हिरण्य में आसक्ति कर दिया है। हिरण जब फोदकता था, भले इनका चरण जहाँ पर पड़ता है वो यज्ञ स्थली बन जाता है, हैं? अभी अगर फिर सोच रहे हैं कोई शेर आकर इसको खा नहीं जाए, हैं? फिर कहीं भाग नहीं जाए, अभी भजन क्या करेंगे, अभी आसक्ति के कहाँ पर हो गया आसक्ति, अभी धीरे 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 जब भजन करने के लिए बैठे ना, बस हिरण 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 हिरण, और मरते समय हिरण 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 करते मर दे और अगले जीवन में हिरण बन गए। हैं कैलाश भी यही किया है। अभी बेटे का शादी हो जाए फिर भजन करेंगे, फिर बेटा इसकी शादी हो गई फिर सब नाती का मुंह देख करके चले हैं, फिर बस नाती चिंता करते करते अगले जीवन में फिर तो घर में कुत्ते बन गए हैं, फिर अगली बार क्या बन गए, फिर बैल बन गए, फिर क्या बन गए, सांप बन गए, बस ऐसे ही भटकते रहे। इसलिए कहते जो कहते कृष्ण का संसार कर छाड़ी करना चाहिए, इसलिए क्या करनी चाहिए, पूरा परिवार को हमें भगवान का भक्त बना देनी चाहिए। अगर पत्नी भक्ति करती है, बेटी भक्ति करता है, बेटा भक्त करता है, अगर सब के सब घर में भक्ति हरिनाम करते हैं, कहते फिर तो वो संसार भगवान का संसार, वो संसार ठाकुर का संसार है। इसलिए कहते भगवत चरण में मन लगाने का सबसे सरल उपाय, पूरा परिवार को कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। इसलिए संसार करो लेकिन कृष्ण का संसार होनी चाहिए, भक्तों का संसार होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं आसक्ति ही दृढ़ बंधन का कारण है, लेकिन वो आसक्ति कहाँ करे, कहते मम उत्तम श्लोके जने सुसख्य, ये वितरस रूप कह रहे हैं ना, मम उत्तम श्लोके जने सुसख्य। इसलिए सख्य किसको साथ में मित्रता करनी चाहिए, कहते साहिब साधु स्वीकृत, ये साधु को साथ में मित्रता करो है, सबको साथ में मित्रता नहीं करो, कहते यही मुक्ति का कारण है। अगर साधु से प्रेम मित्रता तो करेंगे ना, फिर साधु क्या बोलेगा, अगर ज्यादा सोते हुए क्यों सो रहे हो, उठो हरिनाम करो भजन करो, इतने समय क्यों सो रहे हो, अगर हम कहीं गलत रास्ता में जाएंगे साधु हमें बाधा देंगे, नहीं ये नहीं करनी चाहिए, क्यों ऐसे कर रहे हो, हैं इस चीज को बंद कर दो। लेकिन अगर दुष्ट व्यक्ति को साथ संग करके चलो, आज थोड़ा पीप आप गिराते हैं, हैं थोड़ा सिनेमा घुमाते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते थे देखो कभी भी तुम्हारी भक्ति जितना दूर तक है उसके नीचे व्यक्ति को साथ में संग मत किया करो। प्रभुपाद कहते उससे नीचे व्यक्ति को साथ में संग मत किया करो, कर तो तुमसे जो साधन भजन से थोड़े उन्नत है, साधन भजन से थोड़े उन्नत उसका संग करो, हैं उसकी संग करो, कम से कम अगर नीचे से कम तुम्हारे बराबर को साथ में नहीं तो करो, कम से कम तुम जितने भजन साधन कर रहे हो तुम्हारी अगर दोस्त उतना बराबर, लेकिन कभी भी हम जितना भक्ति कर रहे हैं उससे कभी नीचे व्यक्ति का संग नहीं करने के लिए प्रभुपाद गए थे, क्योंकि तुम्हारी भावना पर नीचे होते जाएगा। ये संग की सबसे ज्यादा महत्व है, हैं संग की सबसे बड़ा महत्व ये संग की, इसलिए संग दोष है। अगर हम सो रहे हैं, हैं अगर हमारे दोस्त हमारे पास में सो रहे हैं, अगर देखेंगे वो भी सो रहा है, बोले जो वो सो रहा है हम भी थोड़ा सो जाए ना, वो सो रहा है हम क्यों उठेंगे, ये बड़े गड़बड़ी है, इसलिए बड़े गड़बड़ी है, हैं इसलिए ऐसे व्यक्ति का संग में उठो बैठो जो हमें शासन करे, हैं इसलिए कहते थे भक्ति जगत में शासन का भी बड़ा महत्व है, हैं अगर बड़े कोई हमारे गुरु वर्ग हो हमें अगर अपना कहते स्वजातीय आशय सिद्ध साधु संग सतबर, कहते संग किसको करनी चाहिए, बोले स्वजातीय व्यक्ति को साथ में संग करनी चाहिए, जिसको जिसको साथ में संग नहीं करनी चाहिए संग ही में नहीं। इसलिए यह कहते हैं साहिब साधु स्वीकृत, इसलिए माँ जो संग है साधु को साथ में करो, यही मुक्ति का द्वार है। अभी तक नारद जी व्यास देव क्या बोले, इतने जल्दी हमें जो भक्ति मिली कैसे, केवल एक ही कारण, बोले साधु संग से, और मैं जो साधु का संग कर रहा था वो भी साधारण साधु नहीं, जिनके शरीर में शांति अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि,
जिनके अंदर में भाव का जो अंकुर जिनके शरीर में था है शांति, कभी भी दुख का विषय प्रकट होने पर भी कभी दुखी नहीं होते थे, अव्यर्थ कालतम समय कभी नष्ट नहीं करते थे, विरक्ति विषय में जिनका विरक्ति है, हैं नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम कीर्तन में हर समय रुचि, आसक्ति तत्व गुणाख्याने कृष्ण कथा की हाँ बोलने के लिए सुनने के लिए जिनकी बड़े रति है, हैं प्रीति तत्व बसस्त स्थले भगवान की जो निवास स्थल में जिनका प्रीति, इसलिए ऐसे साधुओं का संग किया। हर समय अगर कोई देखे हमारे सामने इधर उधर की बात नहीं करके भजन कर रहे, हर समय भगवान का नाम कीर्तन, फिर क्या होगा, सो देखते थे अरे ये सारा दिन भजन करता है मेरा ही भजन नहीं हो रहा है, हैं मैं भी हरि नाम करता हूँ, मैं भी उठ करके भजन करता हूँ भक्ति करता हूँ, अगर हमारे साथ व्यक्ति और सो रहा है फिर हम क्या करेंगे भैया, जब सो रहे हम भी थोड़ा सो जाए पीपू और फीसु है, इसलिए प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते थे, बोले पीपो और पी फीसो है, कहते दो आलस थे, दो आलस थे, महा आलस है दोनों हैं, दोनों इतने आलस जो सोच नहीं सकते, और जो सोएंगे ना वो सोते रहेंगे, उठेंगे नहीं सोते रहेंगे। एक बार क्या हुआ, घर में आग लग गई, घर में आग लग गई तो वो आग लगते लगते तभी वो उठ नहीं रहे, क्योंकि बहुत आलस थे ना, हाँ नींद कैसे खुल जाएगा, वो सो रहे, अभी आग लगते लगते देखते लगते करीब पास में आग आ गई है, और जिस बिस्तर में सोए थे उसमें भी आग लग गई, अभी धीरे धीरे पीठ धीरे धीरे पोड़ना लग गया, फिर धीरे जलने लग गया, इसलिए वो पूरा शब्द नहीं बोल रहा है दूसरे को, बोले पीपो पी मतलब पीठ, पो मतलब जल रहा है पोड़ रहा है, ये बंगला भाषा पीपो, बोले ये दोस्त ये जो पीठ है ना पोड़ रहा है, मतलब पीठ जल रहा है, और दूसरा कहता फीसो, अब पीठ अगर फोड़ रहा है जल रहा है फीसो, मतलब फिर उसको फिर करके सो जा लग गया तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ी सी फीसो फिर करके सो जाए ना, उठना नहीं है, उठना नहीं, इसलिए प्रभुपाद की कथा सुनाया करते थे, इसलिए कहते कहले साहिब साधु, इसलिए अपना जो आसक्ति है ना हमसे जो उच्च जो साधु जो भजन साधन में है उनका प्रति करो, जिनको देख करके हमारे अंदर में भी भजन की भक्ति की हमारे अंदर में उत्साह आए, हैं उत्साह आए, इसलिए तब उन्होंने जब बताए साधु का प्रति करो, फिर माँ प्रश्न कर रही है, तो तुमने तो बोल दिया साधु प्रति करो, लेकिन साधु का तो कुछ लक्षण भी तो होनी चाहिए ना, हैं हम कौन सा लक्षण देख करके साधु का संग करें, तो उसका लक्षण कह रहे हैं, बोले तितिक सव कारुणिक सुहृद सर्वदहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण, यहाँ पर बोले ये साधु का लक्षण है, क्या लक्षण है, बोले पहला लक्षण तितिक सव, तितिक सव मतलब होता है सहन शक्ति, हैं कहते ना जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे, तुम भक्ति जगत में क्यों नहीं हो, साधारण जगत में क्यों नहीं हो, सब जगत में सहन शक्ति का सबसे बड़ा महत्व है, अगर थोड़ी थोड़ी बात में चिड़चिड़ी स्वभाव है, थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आता है, थोड़ी थोड़ी बात में मचलते हैं, जो संसार में भी शांति नहीं, भक्ति जगत में तो है ही नहीं, संसार में भी शांति नहीं, थोड़ी थोड़ी बात में चिल्लाओगे, थोड़ी थोड़ी बात में चित कर कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए पहला गुण है सहन शक्ति, संतों का अंदर में ये सहन शक्ति होनी चाहिए सबसे पहला गुण है, इसलिए पहला इनका लक्षण, दूसरा की कारुणिक, वो बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं संत लोग, बोले सुहृद सर्वदहिनाम है, तब सब जीवों को अपना एक परिवार मानते हैं, कद वसुधैव कुटुंबकम, हम एक पिता की ही हम सबके सब संतान हैं, हमारे पिता श्री ठाकुर जी, हम सब सुहृद सबका प्रति उसकी दया की भावना रहती है, सुहृद सर्वदहिनाम बोले अजात शत्रव, कहते जगत में उनका कोई शत्रु नहीं होते, जगत में किसी को अपना कभी शत्रु नहीं मानते हैं, सबको अपना मित्र मानते हैं, कहते अजात शत्रव कौन थे, बोले श्री युधिष्ठिर जी महाराज, इसलिए दुर्योधन को भी सूर्योधन कहते थे, दुशासन को भी सुशासन बोलते थे युधिष्ठिर जी महाराज, इसलिए कभी भी उनके प्रति कितना आप लोग महाभारत देखे होंगे कितना उन्होंने क्या अत्याचार नहीं किया,
लेकिन करने पर भी कभी भी ये स्वयं उनके प्रति कभी विद्रोह उन्होंने नहीं किया है। बोले अजात शत्रव शांता, बड़े शांत शिष्ट रहते हैं। बोले साधव व साधु भूषण, ये साधुओं का ये भूषण स्वरूप। वैसे तो बताया 26 लक्षण उनका है, कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम निर्दोष बदान्य मृदु सुचि अकिंचन सर्वपकार का शांत कृष्ण का शरण, ये सब बहुत सारे लक्षण बताए, 26 लक्षण बताए। लेकिन ये जो ऊपर जो लक्षण बताए, कहते साधु का दो तरह लक्षण क्या है, कहते उनका एक तटस्थ लक्षण और एक स्वरूप लक्षण है। कहते ये सब जो लक्षण हमने अभी सुना, ये इनके बाहर लक्षण है, लेकिन इनका एक अंदर का एक लक्षण है जो अंतर लक्षण है, जिसको स्वरूप लक्षण कहते। कहते स्वरूप लक्षण क्या है, बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती जे दृढ़ा। कहते इनका ये स्वरूप लक्षण है, वास्तव जो लक्षण भजन भक्त का, बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती जे दृढ़ा। कहते वो मेरे को छोड़ करके और किसी का प्रति इनकी भक्ति नहीं है। मई अनन्य, अनन्य मतलब ना अन्य और किसी देवादेवी को भी उपासना नहीं करके केवल मेरे, इसलिए कृष्ण कहते ना मन मना भव, ये मन को मेरे को छोड़ कर और किसको देते नहीं। मत भक्त भव, वो मेरे भक्त बन करके और किसका भक्त नहीं बनते। माम जाजी, पूजा करते हैं पहले मेरी पूजा करते हैं, बोले माम नमस्कुरु, प्रणाम करेंगे तो मुझे ही प्रणाम करेंगे, हैं मुझे ही प्रणाम करेंगे। कहते ये मेरे भक्तों का ये विशेष लक्षण ये है, विशेष लक्षण ये भक्त मेरी भक्तों का। इसलिए अगर उनके अंदर में और सारे गुण, कृपालु अकृत द्रोह सारे गुण, अगर ये गुण नहीं ना सब बेकार है, अगर उसके अंदर में कोई भी गुण नहीं, ये जितने बताया वो कोई गुण है नहीं, लेकिन एक ही गुण है वो अनन्य रूप में मेरी भक्ति करते हैं। कहते ये जितने सारे गुण है ना, अपने आप उसके अंदर में आ जाते, अपने आप आ जाएगा। इसलिए कहते जैसे आस्ते बोलो भगवत भक्ति अकिंचनाथ सर्व गुण तत्व समास सुरा। इसका मतलब है, यहाँ पर कहते हैं यस्यास्ते भगवत भक्ति अकिंचना, जिसको अंदर में ये अकिंचना भक्ति हो ना, और जितने सारे गुण उसको अंदर में अपने आप आ जाएंगे। उदाहरण देते हैं, जब महारानी चलती है ना, आप देखना उनके साथ में जितने चेला चापटी सबके सब उनके साथ साथ में चल, राजा जब चले उनके साथ में सब चलते हैं। ये जो भक्ति है ये ऐसे ही भक्ति है, भगवान प्रति अगर अचला भक्ति हो जाए और जितने गुण सब आपके अंदर में अपने आप ये सारे गुण आ जाएगा। बोले मदाश्रया कथा मृष्टा श्रृणंती कथयंती च तपंती विविधस्तापा नैतान मदगत चेतस त साधव साधु सर्वसंग विवर्जिता संगस्त्वेष ते पार्थ संगदोष हरा इते। इसलिए कहते हैं ये मदाश्रया कथा मृष्टा कथा श्रृणंती कथयंती च, केवल मेरे चरण में आश्रय करते हुए मेरी कथा को सुनते हैं, मेरी कथा को बोलते हैं, हैं मदगता चेतसा अपना चित्त को मेरे प्रति लगा देते हैं। इसलिए सर्वसंग सर्वसंग विवर्जिता, सारे बहिर्मुख संघ को ये परित्याग कर देते हैं। इसलिए कहते ये सब मेरे भक्तों का, ये सब कुछ लक्षण मेरे भक्तों का है। इसलिए कृष्ण कहते ना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम सुचहे अर्जुन, तुम सारे धर्म को छोड़ करके एकनिष्ठ होकर के मेरे चरण में शरणागत हो जा। इसलिए कहते ये मेरे साधुओं का, ये सबके सब मेरे साधुओं का लक्षण है। तो उसको बाद में कहते हैं अगर ऐसे साधु स्वयं करोगे तो क्या होगा, तो वो श्लोक कहते हैं कौन सा, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतिकर्णा रसायन कथा ताज्जो सना आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। हैं इसलिए अगर ऐसे साधु पुरुष का अगर संग करोगे तो इसमें क्या होगा, बोले धीरे 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 इनके प्रसंग में इनकी मुंह से मेरी कथा सुनते सुनते बीरजवती कथा सुनते सुनते पहले श्रद्धा हुई, उसके बाद में भक्ति, फिर धीरे धीरे मेरे प्रति हमारी प्रेम भी प्रकट होगा। इसलिए फिर क्या होगा, मैं भगवत हृदय कर्ण रसायन कथा,
ये कथा कैसे बोले हृदय और ये कान को दोनों को ये रस देने वाली, कानों को हृदय को ये आनंद देने वाली मेरी जो कथा है, इसलिए क्या बोले अपवर्ग वर्तमनी। पवर्ग मतलब प फ ब भ म, ये जितने शब्द के शब्द तुम्हारी प में परिश्रम, फ में फेर, ब में व्यर्थता, भ में भय और माँ में मृत्यु, कहते सबको तुम पार करके बस एक दिन मुझे तुम प्राप्त करोगे। अगर मेरे भक्तों का तुम संग करोगे तो हैं, इसलिए साधु संघ की इतना महिमा साधु संघ की, इसलिए कृष्ण भक्ति जन्म मूल इसको लिख लो, ये याद है कृष्ण भक्ति जन्म मूल हाय साधु संग कृष्ण प्रेम जन्म तिह पुनः मुख्य अंग। इसलिए कृष्ण भक्ति जन्म मूल मतलब भगवत भक्ति प्राप्ति का जो सबसे मूल कारण क्या है, बोले भक्तों का संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल हाय साधु संग, इसलिए साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, इसलिए हर शास्त्र में साधु को संग के लिए कहते हैं। इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसलिए कृष्ण प्रेम जन्मे तेह पुण्य मुख्य अंग, कृष्ण प्रेम प्रकट करने का जो सबसे मूल वस्तु है भगवान की भक्तों का संग, मेन भक्तों का संग। आदो श्रद्धा तथा साधु संग अत भजन क्रिया है, कहते आदो श्रद्धा उसके बाद में साधु संग उसके बाद में फिर भजन क्रिया शुरू होता है, इसलिए मूल है भगवान के भक्तों का संग ही। इसलिए भगवान कहते बोले माँ अगर तुम मन को शांत करना चाहते हो, मन को भजन में लगाना चाहते हो, विषय से हटाना चाहते हो, सबसे जो मूल वस्तु है साधु का संग है, ये साधु संग। अभी जो थोड़ी बहुत हम लोग प्रयास कर रहे हैं साधन भजन करने के लिए, क्यों कर रहे हैं, केवल हमें भक्तों का संग मिला है, हैं? अगर हमें भक्तों का संग नहीं मिलता गले में क्या कंठी पहनते, तिलक लगाते, चार बजे उठते, मंगल आरती में आते, हरि नाम करते, कुछ भी नहीं करते, हैं? गड्ढे में पड़े रहते। इसलिए 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 इसका सबका जो मूल है हमें भक्तों का संग हमें प्राप्त हुआ, इसलिए माँ कहती बोले माँ भक्तों का संग करो, केवल भक्त संग से ही तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते ना कृष्ण रस भाविता मति क्रियता कुतव्य यदि लभ्यते तत्र लौल मूल्य में कलम कुटि सुकृति अर्पिणा लभ्यते। कहते अगर हमें ऐसे भक्तों का संग मिल जाए जिनका मति संपूर्ण कृष्ण भक्ति में सराबर हुआ हो, गुरुदेव उदाहरण देते जैसे रूई नहीं तो रसगुल्ला, जैसे पूरा उसका कणकण में रस भरा हुआ, अगर ऐसे भक्तों का संग हो जाए जिनका मति संपूर्ण कृष्ण भक्ति में सराबर हुआ हो, अगर ऐसे भक्तों का संग हमें मिल जाए तो क्या होगा, बोले भक्ति कैसे मिलता है, बोले पूर्व पूर्व जन्म का सुकृति से। लेकिन ऐसे करोड़ों सुकृतों के द्वारा भी जो वस्तु प्राप्त होता है उससे भी ज्यादा लाभ हो जाता है अगर ऐसे भक्तों का संग मिल जाए। मूल है जितने उन्नत भक्तों का संग हमें मिलेगा ना हमारी भक्ति उतना ही बढ़ेगी, उतना भक्ति हमारी उतना भक्ति बढ़ेगी, इसलिए मूल है भक्तों का संग। ठीक है बोले सत्संग की, बोले साधु संग की, सिताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। इसको बंद करते।